उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक ऐसा व्यापार मंडल है जहां आपको व्यापार करना है तो आपको इस व्यापार मंडल का ये नियम मानना होगा। इस व्यापार मंडल का नियम है कि चाहे व्यापारी करोड़पति हो या लखपति या कोई और, सबको महीने में एक बाजार में झाड़ू लगानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा जब कोई करोड़पति लखपति होगा तो खुद झाड़ू क्यों लगाएगा, पूर्व रुपए देकर किसी से भी झाड़ू लगवा सकता है। लेकिन इस व्यापार मंडल में होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, अस्पताल, ज्वेलर्स, चाहे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, सभी संचालकों को ही सफाई करनी होगी। दरअसल पौड़ी गढ़वाल के पैठाणी बाजार के व्यापार मंडल का एक अनोखा नियम है, जहां व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को 2 किलोमीटर से अधिक फैले बाजार में झाड़ू मारकर कूड़ा बीनना होगा, तभी आप यहां व्यापार मंडल में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले एक वर्ष से व्यापार मंडल पैठाणी के सभी व्यापारी महीने में एक बार सफाई अभियान चलाते हैं। इस दिन सभी दुकानें बंद रहती हैं और सिर्फ सफाई पर ध्यान रहता है। व्यापार मंडल के सचिव विश्व बंधु का कहना है कि सभी लोगों को सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सभी को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ना चाहिए ताकि हमारे आसपास सफाई बनी रहे। कोई हमारे साथ का कोई कितना बड़े से बड़ा व्यापारी हो या छोटा से छोटा, हम बिल्कुल झाड़ू उठा के यहाँ पे सफाई अभियान में सारे लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को हम बहुत आगे ले जाएं, यही हमारी कामना है कि हम लोगों को या सभी लोगों को इसमें सफाई अभियान में सबको हमारा साथ देना चाहिए। कहीं भी हो, अपने घर में हो चाहे कहीं भी हो, सफाई पे जोर दिया जाएगा। लगातार हमारा एक वर्ष से ये प्रयास फलीभूत भी हुआ है। ये देखिए हमारे सारे व्यापारीगण यहाँ पे सफाई करते हुए, यहाँ पे ये हमारे जोगिंदर है सफाई कर्मचारी, जो कि हमारा स्वच्छ अभियान के तहत ये हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह व्यापारी हाथ में झाड़ू पकड़े पूरे इलाके की सफाई में जुटे हैं। अगर आपको भी यहाँ व्यापार करना है, इस व्यापार मंडल का सदस्य बनना है तो इस नियम को जानना और मानना जरूरी है, तभी आपकी बात बनेगी, वरना यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।